Hello dear students, welcome to Online Class City. Today we will discuss some important questions. Actually, I have given you some questions that were asked in Navodaya. And today, right now, we are going to discuss those questions. So, let's start. Our first question is, 5-digit greatest number to be formed with the help of 7 to 4, 8 and 0 s. क्वेश्चन मैं उतार दे रहा हूं, ये 51 नंबर क्वेश्चन, राइट? मैं इसलिए 51 लिख रहा हूं क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिया था वहां सीरियल वाइज 51 से था, 50 क्वेश्चंस कुछ और थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और हिंदी वगैरह के क्वेश्चन थे नवोदय में, ये पिछले साल मतलब पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन का एक संग्रह है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5-digit greatest number to be formed with the help of 7, 2, 4, 8 and 0 is। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि जो डिजिट यहाँ पे दिए गए हैं 7, 2, 4, 8 and 0, उनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या बनाना होता है दिए गए डिजिट से, तो उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, यानी जो आंसर होगा हमारा कितना होगा 87420, ये 87420 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, सपोज हमें पूछता स्मॉलेस्ट नंबर पूछता, तो हम क्या करते, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, लेकिन जीरो हमेशा सेकेंड पोजिशन पे आएगा, 20478। स्मॉलेस्ट पूछता तो ये होता और ग्रेटेस्ट पूछता तो ये होता। ठीक है, जीरो को अगर हम पहले लिखेंगे ना, सपोज जीरो को हम पहले लिखते हैं 02478, तो ये 4-digit नंबर है ना, बट हमसे बोला था कितना डिजिट का, 5-digit का, इसलिए हमें सेकेंड पोजिशन पे, अगर ऐसा पूछता तो। ठीक है, वैसे हमारा आंसर जो है वो ये है ग्रेटेस्ट नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है, 144 is how much greater than 2/3 of 96। ठीक है, बोला है 3/4 of 144 means क्या होगा, 3/4 into 144 ना, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, 2/3 into 96 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, 4 3 12 4 6 20 4 6 3 18 और 3 3 9 108 आया, ये वाला कितना आ रहा है बच्चों, 3 3 9 3 2 6 64। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये जो संख्या है, ये जो आया 108, वो इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 108 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 40। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बोला है 53 नंबर क्वेश्चन, 641664 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो सिंपल आप देख लो, 641664 आप डिवाइड कर लेना इसे, 16 से 16 4 जा 64, फिर 1 आएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 0 लेकर के हम लोग 16 मान लेंगे, तो ये 1 हो गया, एंड देन 604 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, हियर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। 54 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। ठीक है, यानी कि 6 के प्रथम 5 गुणज, मल्टीपल्स 6 कितना हो जाएंगे, 6 12 18 24 और 30, इन सबको आपको ऐड कर देना है, मतलब 6 12 18 24 30 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90, गड़बड़ कहाँ हो जाता है,
अच्छा हाँ ठीक है, 90 हो जाएगा हमारा आंसर। और ये है आपके किसमें 54 का ऑप्शन ए, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या चलिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट टू 3/4 +4/5 +8/25, ठीक है, आप इसे ऐड कर देना, ठीक है। ये बोला है डेसिमल इक्विवेलेंट, तो आप इनका एलसीएम अगर लेते हो तो ये 100 हो जाएगा, है ना, 100। और ये 4 से 75 +20 80 +8 4 32, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, 7 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पढ़, हमने डेसिमल में पढ़ाया था ना ये कैसे, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, 1.87 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, इसे हम 0 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सो वी गॉट द आंसर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राइट। क्वेश्चन नंबर 56, 3.65 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.825, वी हैव टू फाइंड आउट 3.65 इंटू 0.5 इज व्हाट। तो आप ये वाला देखिए, ये सारे सेम है, ठीक है, खाली पॉइंट इधर उधर है, तो पहले आप ये लिख लो 1825, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे सेम आएंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट और पॉइंट यहाँ दे दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट इसलिए था ना कि एक डिजिट और एक यहाँ दो डिजिट, तीन डिजिट के बाद पॉइंट इसलिए था, या एक डिजिट बाद एक डिजिट, यानी ये कुल मिला के हो जाएगा हमारा आंसर 182.5 आंसर, ठीक है, 57, ठीक है। 17/25 कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज, 17/25 को परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर दो, 25 हो जाए 68% आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा फिर से बोला है ना कि जो 6 के 5 गुणज हैं उनका सम निकालिए, सम निकालने के बाद जो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो सम कितना आया था जी बच्चों, 90 आया था ना, तो टेंस डिजिट 9 है और यूनिट डिजिट 1 है, तो क्या होगा, 9 - 0 = 9 आंसर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 58 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग 3 एज रिमाइंडर इन विच केस, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, जब डिवाइड लिखा हुआ रहेगा नंबर के पहले तो समझ लेना कि हमें एचसीएफ निकालना है, और जब लिखा हुआ रहेगा डिविजिबल बाय या फिर डिवाइडेड बाय तो आप समझ लेना कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। हाँ ग्रेटेस्ट से भी आप समझ सकते हो कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसी किसी केस में ग्रेटेस्ट में फंस जाओगे, जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होता है ना तो उस केस में आप फंस जाओगे, इसीलिए कम ही उसका इस्तेमाल करना है, इससे आप पहचान लगाओ डिवाइड रहेगा एचसीएफ डिविजिबल बाय रहेगा एलसीएम। जब एचसीएफ निकालना है तो जो रिमाइंडर है रिमाइंडर उसको क्या कर दो, पहले आप माइनस कर दो, तो बोला है हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 3 बचाना है, ठीक है, कितना बचाना है, रिमाइंडर 3 बचाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है 1277 एंड है 1368, तो इसमें कितना बचाना है रिमाइंडर 3, तो पहले 3 माइनस कर दो दोनों में, ठीक है, ये आ जाएगा 1274 और ये आ जाएगा 1365, तो दिक्कत, और इनका जो है एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना आता है ना आप लोगों को, ठीक है। इन द केस अगर नहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये रेस कर दूं मैं, देखिए 1274 और ये हो गया 1365, ठीक है, 1 टाइम्स में 1274, 5 हो गया 16 में 7 जाएगा तो 9, 91 से 1274, अब ये 91 से कितने टाइम्स में कट जाएगा तो मैं बता दूं कि 91 बन जा 91, ठीक है, 6 20 कितना टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स में कर दिया, मतलब ये वाला हमारा आंसर 91 इज द आंसर एंड इट्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या है कि जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा और डिवाइड था तो हमने रिमाइंडर को माइनस किया और ऐसे निकाल दिया रिजल्टेड नंबर को, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको भी।
वैसे एचसीएम और एलसीएम का मैं क्लास दूंगा, उसके लिए आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 60, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा 114 एंड 95 का, ठीक है 95 का और इसका एलसीएम पूछा है, तो ये आप निकाल लेना, ये तो बहुत इजी है। 61 द सिंपलीफिकेशन ऑफ 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2, अक्सर क्या करते हैं बच्चे को आता है, फिर भी क्या करते हैं अधिकतर गलत कर देते हैं, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर, आप मैच कर लेना अपने आंसर से, ठीक है 6 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब इंटू जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है कोई दिक्कत, स्मॉल ब्रैकेट खत्म, 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा, हाउ मच 3 है ना, तो 3, कोई दिक्कत 24 प्लस 3 यानी कि 27, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और ये आगे कितना हमारा कितना बच गया, 81995 14, 14, 15, 16, 16 और 25, 25, 6, 31, 30, 34, remainder 3, 19, 12, 12 और 7, 19, 19 और 6, 25, 25 और 5, 30, 33, 35 और 36, 64. क्या बोला है, द सम ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 13 इज अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्स में आपको बताना है ये 364 आ रहा है, ठीक है ये 364 आ रहा है सम करके, तो अप्रोक्स में हम लोग इसको 365, ठीक है अप्रोक्स वाला टिक कर देंगे, टिक आउट कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 63, 63 नंबर क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ 1248, 63 नंबर क्वेश्चन 1248, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 64 है, राजेश वेट इज 5 केजी लेस देन राम्स वेट, राजेश मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वेट इज 5 केजी लेस देन राम्स वेट एंड निहाल वेट इज 3 केजी मोर देन राम्स वेट, इफ द वेट ऑफ द 3 इज 108 केजी पॉइंट द वेट ऑफ राम, ठीक है ये हमें राम का वेट निकालना है, पूछा गया राम का वेट क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम करेंगे, जो जो दिया हुआ पहले गिवन रख लेते हैं, राजेश का जो वेट है वो 5 केजी लेस देन है राम से, मतलब राजेश का जो वेट है वो राम से कितने केजी कम है, 5 केजी, राम माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा का जो वेट है वो 3 केजी मोर देन है राम से, यानी नेहा का जो वेट है वो राम से कितना ज्यादा है, 3 केजी, हमें पूछा राम का वेट, तो हम क्या करते हैं, लेट राम्स वेट इज इक्वल टू एक्स केजी, राम का वेट हम कितना मान लेते हैं, एक्स केजी मान लेते हैं, ठीक है तो राम की जगह हम एक्स पुट करेंगे, एक्स माइनस 5 और ये हो गया एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके अब तीनों का वेट यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राजेश का प्लस राम का प्लस नेहा का मिला के 108 आना चाहिए, ठीक है राजेश है x माइनस 5 प्लस राम का x माने थे, अब प्लस नेहा कितना है x प्लस 3, 108, ठीक है ओके नेक्स्ट, तो ये कितना हो गया x x x 3x,
और माइनस फाइव प्लस थ्री कितना हो गया माइनस टू बराबर 108। ठीक है यहाँ बना देते हैं, तो ये हो गया 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव भेज देना था ना 5 kg और ये 3 kg ज्यादा था, ठीक है माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू बजट टू 3x इक्वल टू 108 प्लस टू तो 3x इक्वल टू 110। ठीक है कुछ गड़बड़ियां हो गई है, क्वेश्चन नंबर रिलीजियर राजेश वेट इज 5 kg लेस देन, राजेश वेट 5 kg लेस देन है राम वेट के, और नेहा का जो वेट है वो 3 kg मोर देन राम्स वेट, नेहा का वेट राम के वेट से 3 kg ज्यादा है, तो ठीक है x माइनस फाइव प्लस एक्स प्लस थ्री एंड प्लस एक्स इजक्वल टू 100। अच्छा सॉरी ये 103 है बच्चों, ये कितना है 103 है, तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था 103। ठीक है तो ये हो जाएगा 105, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 बाय 3। ठीक है कितना हो जाएगा ये 35, यानी राम का वेट कितना निकल गया 35 kg, हमने x माना था राम के लिए ना, बच्चों आपको दिख रहा है एक बार मैं चेक कर लूं, चलिए ओके इट्स क्लियर, वो लाइट चला गया था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितना आ जाएगा इसका 35 kg। ठीक है अगला क्वेश्चन है 65, अबस कवर 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, और अबस 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ठीक है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो स्पीड इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है डिस्टेंस ऑन टाइम, मतलब 400 बाई 8 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यदि इसे मीटर पर सेकंड में पूछता तो क्या करते 50 × 5/18 करते। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हमारा आंसर जो है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो बी है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, ठीक है 66 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों, तो वो कुछ ऐसा है, ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया टेबल टेनिस और ये हो गया बैडमिंटन। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के सीधा में जो था हमारा नंबर वो है 8। ठीक है और ये वाला था 5 के सीधा में, क्रिकेट वाला था 10 के सीधा में, और फुटबॉल वाला था 20 के सीधा में, तो ये ना था टेनिस, कितना होगा बच्चों बताइए 8 होगा ना, 8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है टेनिस कितने बच्चे खेल रहे हैं 8, यहां से इसके सीधा देखना था। ठीक है चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है यहां बोल रहा है बाइसिकल, बाइसिकल ओके नेक्स्ट है स्कूटर, स्कूटर फिर है कार, फिर है वैन, स्कूल वैन। ठीक है इसमें 2 स्माइली है, इसमें 3 स्माइली है, इसमें 4 स्माइली है और इसमें 6 स्माइली है। अब हमसे पूछा है एक स्माइली इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल वैन, बोल रहे कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल वैन यूज करते हैं, तो अगर परसेंटेज पूछे ना तो हमें कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्कूल वैन में कितने स्माइली, 1 2 3 4 5 6 स्माइली है ना, और हमें स्कूल वैन का पूछा है स्कूल वैन में कितने स्माइली है 6 स्माइली है। ठीक है और टोटल अगर मैं बात करूं 6 4 10 3 13 2 15 इन टोटल 15 स्माइली है, तो परसेंटेज ऑफ स्कूल वैन इक्वल टू, तो स्कूल वैन बाय टोटल इनटू 100, बच्चों बताओ कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 6/15 × 100 यानी कि 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 5 = 21, 40% इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत दिख रहा है ना आपको? ओके इट्स क्लियर, 40% इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67। यदि समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल कर लेना मुझे या फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, एट 25% पर एनम 1668, ठीक है, एट 25% पर एनम इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स द मनी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज मनी ट्रिबल ट्रिबल इटसेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ। ठीक है, तो क्या परसेंटेज तो आप लोग पढ़े हो ना, परसेंटेज पढ़े हो ना, परसेंटेज का वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लेना, वहां आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बिना पेन के यूज किए आप बना सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, देखने से तो टफ लग रहा है लेकिन काफी इजी है, मैं बता दूं आपको क्या बोला है क्वेश्चन। बोला 25% के हिसाब से रोजाना बढ़ रहा है, यानी कि अगर 100 रुपए कोई ले रहा है रोजाना के एक साल में, हाँ सालाना, अगर 100 रुपए ले रहा है तो उसे पेड कितना करना पड़ेगा एक साल बाद, 25% ज्यादा, 25% सूद लग रहा है ना, तो 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा उसको, और 25 रुपए और 125 रुपए टोटल। ठीक है, 100 रुपए कैसे उधार लो, अब 25% के हिसाब से एक साल बाद आपको 125 देने पड़ेंगे। तो बोला है कि 25% के हिसाब से ट्रिपल कब हो जाएगा, 3 गुना कब हो जाएगा, ये ना कितना हो जाएगा, 3 गुना कब हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो सपोज सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द मनी, मनी कितना मान लिया, एक्स रुपीज, 100 मान के भी आप बना सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेट द मनी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा हो गया एक्स रुपीज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना हमें, तो क्या क्या जानना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है, रेट हमारा दिया है 25%। ठीक है, और क्या बोला है कि कितना हो जाएगा इसका, 3 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट 3x हो जाएगा, एक्स का 3 गुना 3x होगा। क्या बोला है कि जितने रुपए आप उधार लोगे उसको 3 गुना हो जाएगा, कितने साल में, ये ना पूछा है, हाउ मेनी इयर्स, हाँ कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमसे टाइम पूछ लिया है, टाइम तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है SI × 100/T × R, टी पता है, आर पता है, SI नहीं पता है। तो पता है यहां से एक चीज आप कर लो, SI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया हुआ बच्चों, अमाउंट दिया हुआ 3x माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ एक्स, कितना आ गया 2x आ गया, इधर इरेज कर सकते हैं, हो गया 2x हो गया। अब पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूला पे, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा SI हो गया 2x × 100/Prin(x)×rate 25 × x ADS इज द राइट आंसर। क्या टफ था क्वेश्चन, नहीं ना, नहीं था ना टफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 12 केजी पोटैटो इज ₹360 और प्राइस ऑफ 8 केजी पोटैटो इज, ये ऑलरेडी हमको लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इस हो गया ना ये, यदि नहीं समझ में आया थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो पॉज कर लो आप, पहले समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बस ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश करने ही वाले हैं। एक 69 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 12 केजी पोटैटो इज ₹360, देन द प्राइस ऑफ 8 केजी पोटैटो इज,
वॉट 8 kg पोटैटो का प्राइस हमसे पूछा गया है, तो 12 kg का कितना दिया है 360, तो 12 kg का पैसा जो दिया हुआ है रुपीज 360 है, ठीक है। तो 1 kg का कितना हो जाएगा बच्चों 360, और ये 12 नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना केजी का पूछा है 8 kg का पूछा है, तो 8 kg का क्या हो जाएगा, ये यूनिटरी मेथड के हिसाब से बन रहा है, ठीक है, 240, ठीक है, रुपीज 240। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार बुक परचेज रुपीज 150 एंड सेल अगेन रुपीज 180 एंड द प्रॉफिट परसेंट ईच, मैं रेज कर दूं, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो थोड़ा पॉज कर करके देखना, या फिर उसमें ऑप्शन 3 रेड डॉट है, 3 व्हाइट डॉट होगा वीडियो के ऊपर, उस पर क्लिक करोगे वहां पर होगा प्ले बैक स्पीड, वहां पे आप 0.75 कर लो, वीडियो थोड़ा स्लो हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ बुक परचेज इन रुपीज 150, क्या बोला, इफ अ बुक परचेज इन रुपीज 150, मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इफ अ बुक परचेज इन रुपीज 150 एंड सेल इट इन रुपीज 180 देन प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए परचेज किया गया मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस 150 रुपए, और बेच दिया कितना में, यानी सेल एसपी हो गया 180 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी होता है, ओके 180 माइनस 150, 30 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी, मतलब 30 × 100 / CP कितना दिया बच्चों 150, 0.35 × 5 = 20%, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डायमेंशन ऑफ ए हॉल इज इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर विद साइज ऑफ 1.2 m² टाइल्स, ओके ठीक है, इरेज कर दो, ये हो गया। दिक्कतें अगर आती है तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, ओके। बोला है डायमेंशन ऑफ ए हॉल, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। द डायमेंशन ऑफ अ हॉल इज 4.8 m × 3.6 m, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स required to cover with size of 1.2 m² tiles, okay, ठीक है। क्या बोला है, dimension of wall दिया हुआ है इतना, और पूछा what is the tiles required to cover size, tile का size दिया हुआ इतना। अच्छा ये room का length हो गया और breadth हो गया, ठीक है, solution, length of room कितना दिया 4.8 m, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रूम कितना दिया 3.6 m। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स जब भी निकालना हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4.8 × 3.6, और टाइल का एरिया दिया 1.2, कोई दिक्कत नहीं ना। चल ये पॉइंट और ये पॉइंट एक एक डिजिट बाद तक कट जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा तो 10, 12 × 3 = 36, तो ये कितना हो गया, 8 × 3 = 24, ठीक है, और 3 × 4 = 12 = 44 बाई 10, तो 14.4, लगभग 15 टाइल्स के आसपास, ठीक है, क्योंकि 4.4 टाइल्स तो आएगा नहीं ना, तो कितना टाइल्स आप मान लो, लगभग 15 टाइल्स, क्लियर, हाँ ओके। टाइल्स के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना, और 2 m विड्थ पार्क मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क द एरिया ऑफ द पार्क इज, ओके इरेज कर दूं मैं इसे। 72 नंबर क्वेश्चन,
The dimension of a rectangular path is 100 meter into 60 meter. A 2 meter width path made around the rectangular path. The area in meter square of the path is. बच्चों यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है 2 मीटर चौड़ा का रास्ता। तो पूछा गया उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया बच्चों, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, हम एक पार्क बनाएंगे, ठीक है। ये लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बच्चों 60 मीटर है ना, 100 मीटर चौड़ाई। अब इसके चारों ओर एक पार्क है कुछ इस तरह का, ये देखिए, कुछ इस तरह का। और इसका जो चौड़ाई है वो सब तरफ कितना है, 2-2 मीटर है। कितना मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर, और ये 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पूछा गया है रास्ते का एरिया, ठीक है, जो हमने सेट किया ना जो भाग उसका एरिया पूछा गया। तो रास्ते का एरिया जो होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, एरिया ऑफ पाथ जो होता है, एरिया ऑफ पाथ होता है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। मतलब बाहर में जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया माइनस अंदर में जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया। अच्छा बाहर में रेक्टेंगल का लंबाई कितना है, ये वाला कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला कितना है, चलिए ये वाला 2 है और ये वाला कितना है 100 है, 100 और ये वाला 2 है। मतलब ये वाला कुल लंबाई अगर हम बात करेंगे तो इतना 2 है, इतना 100 है, इतना 2 है, कुल मिला के 104 हुआ, 2 + 100 + 2 = 104। तो बाहर वाले का एरिया हो जाएगा 104 गुना, और चौड़ाई कितना है, ये 60 है, तो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 + 60 + 2 = 64, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या होगा, तो देखिए 100 × 60 लेंथ इनटू ब्रेड होता है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट में दे लेना, ओके। ये हमारा आ गया इतना मीटर स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उतना मीटर स्क्वायर, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन के लिए एरिया ऑफ पाथ क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। यहाँ पर बोला था इसके चारों ओर रास्ता, तो ये रेक्टेंगुलर पार्क था, इसके चारों ओर रास्ता हमने बना दिया। कभी कभी पूछता है अंदर में रास्ता बनाना, तो अंदर में तो अंदर करते हैं, और यहाँ जो हमने ऐड किया ना 60 + 2 + 2 वहाँ माइनस होता, ठीक है। जिंदगी किसी तरह का क्वेश्चन और चाहिए तो मुझे कमेंट करो, ठीक है, कॉन्टैक्ट करो, मैं बताऊंगा। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, सिंपल है, 73 बहुत इजी। द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, फाइंड इट्स पेरिमीटर। बच्चों ये तो बहुत आसान है, आपको पता है सॉल्यूशन अगर हम करें तो पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 100 400 मीटर आंसर। चले 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, टू पर्सन्स वॉक ईच अदर 7:30 AM एट 7:30 AM इफ देयर स्पीड्स आर, इफ देयर स्पीड्स आर 4 km/h एंड 6 km/h 4 and 6 एंड इनिशियली देयर डिस्टेंसेस एंड इनिशियली देयर डिस्टेंस इज, ठीक है, इनिशियली देयर डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर, देन इन वॉट टाइम दे मीट टीचर,
वो दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। देखिए सपोज एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पर्सन है, एक दोनों के बीच का दूरी कितना है जी, 25 किलोमीटर। ये देखिए 25 किलोमीटर, ठीक है। एक जाता है 6 किलोमीटर पर आर के हिसाब से और दूसरा आ रहा है इधर 4 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, तो दोनों का क्या डायरेक्शन सेम है। देखिए यहाँ पे दो स्पीड है ना, तो जब दो स्पीड वाला क्वेश्चन मिले कुछ ऐसे, देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस कर दो, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, या फिर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, स्पीड प्लस होता है। मतलब जब एक अलग अलग डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, एक इधर एक उधर, तब क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ ऊपर में, ऊपर वाला इरेज कर दूंगा। हमसे टाइम पूछा है ना, टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। बच्चों बताओ टोटल स्पीड कितना होगा, 2.5 घंटा में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 60 किया था उसने 7:30 में, तो ढाई घंटा बाद यानी कि 10 बजे आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 10 AM में वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। 74 भी हो गया। 75 पे आते हैं। 75 क्या बोला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। तो 11 और 21, पहला ऑप्शन है क्या ये डिविजिबल नंबर है, नहीं, ये तो 11 प्राइम नंबर है तो डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या ये दोनों इवन नंबर है, बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर मैच नहीं करता है, तो लगभग सही है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, क्या 11 3 का मल्टीपल है, नहीं, तो डी ऑप्शन में नहीं है, मतलब सी करेक्ट है, ठीक है। को प्राइम नंबर है दोनों 11 और 21, यानी 75 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए तो हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप मुझे कमेंट करो या कॉन्टैक्ट करो, कुछ भी करो बट समझो सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया कृपया एक बार और देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, रोक रोक के बनाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।